हेलो एवरीवन, लास्ट टॉपिक में हमने डिफरेंट इंटरनल कैपेसिटेंसेस पढ़े मॉसफेट के, और वो पांच कैपेसिटर्स थे। तीन आपके गेट कैपेसिटिव इफेक्ट की हेल्प से मिल रहे थे और दो आपके बॉडी टू सोर्स एंड बॉडी टू ड्रेन की हेल्प से मिल रहे थे। उन पांचों की जो भी एक्सप्रेशंस थे, जो वैल्यूज थी, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। यहाँ पर हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाई फ्रिक्वेंसी मॉसफेट मॉडल। तो जैसे हम सिंपल बीजेटी के लिए हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल पढ़ा था, वैसे ही हम मॉसफेट के लिए हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल पढ़ेंगे। और हम अपने मॉडल में जो भी हमने पहले डिज़ाइन किया है, उसमें हम सिंपल क्या करेंगे, उन इम्पिडेंसेस मीन्स जो कैपेसिटर्स हैं आपके, जो हाई फ्रिक्वेंसी पे इफेक्ट करते हैं, उन कैपेसिटर्स को अपने मॉडल में ऐड करेंगे। ओके, सो हमने जो पांच कैपेसिटर्स पढ़े थे, और ये मॉडल जो हम पढ़ के आए हैं कि आपका एक कैपेसिटर, एक आपका सोर्स होगा, दैट इज जी एम वी जी एस इन पैरेलल विद आर नॉट। तो अगर मैं इसको सिंपल सा यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ आपके को याद दिलाने के लिए, तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, यहाँ पर एक सोर्स था हमारा और ये आपका रेजिस्टेंस था आर नॉट, दैट इज ड्रेन, ये सोर्स था और ये गेट था। ओके, सो इंटरनल इम्पीडेंस मॉसफेट का बहुत हाई होता है, दैट्स वाई देर इज नो कनेक्शन बिटवीन गेट एंड सोर्स। और वो हमें मालूम है क्योंकि ये एक सिंपल इंसुलेटर होता है। देखिए, गेट यहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच में कनेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंसुलेटर है। ओके, सो यहाँ पे कोई भी इंपेडेंस नहीं होता है, इंपेडेंस हाई होता है, इनफाइनाइट होता है मॉसफेट का। ओके, सो इस मॉडल में हमने उन कैपेसिटेंसेस को ऐड कर लिया सिंपल। तो हमने यहाँ पे फोर कैपेसिटर्स कंसिडर करे हैं, एक कैपेसिटर सी जी बी, गेट टू बॉडी कैपेसिटर हमने निगलेक्ट कर दिया। ओके, सो वी हैव नॉट कंसिडर्ड गेट टू बॉडी कैपेसिटेंसेस। अभी हम इसको और शॉर्ट करेंगे, तो एक कैपेसिटर सी जी डी गेट और ड्रेन के बीच में होगा सिंपल, कैपेसिटेंस सी जी एस गेट और सोर्स के बीच में होगा, क्लियर। और दो कैपेसिटर सी एस बी एंड सी डी बी, सोर्स टू बॉडी एंड ड्रेन टू बॉडी कैपेसिटर, ये आपने ड्रॉ कर रखे। तो ये आपका बॉडी टर्मिनल है, तो ड्रेन से बॉडी के बीच में, ये आपका सोर्स टर्मिनल है, सोर्स से बॉडी के बीच में, क्लियर। अब हम एक कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, तो कंडीशन है हमारी कि हमने सोर्स और बॉडी दोनों को मर्ज कर दिया है। ओके, सोर्स और बॉडी को हमने क्या कर दिया है, कॉमन, मीन्स दे बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो कॉमन हो जाएंगे। तो सोर्स और बॉडी जैसे ही आप कॉमन करेंगे, तो आपका जो सी एस बी और जो आपका सी डी बी, ये दो कैपेसिटर्स आपके पिक्चर से हट जाएंगे। ओके, सो हमने क्या किया, इन दोनों ही कैपेसिटर्स को रिमूव कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो जैसे ही हमने इनको निगलेक्ट किया, हमारे पास जो बचा वो क्या था, गेट टू ड्रेन कैपेसिटर सी जी डी, गेट टू सोर्स कैपेसिटर सी जी एस जिसके अक्रॉस पोटेंशियल है आपका वी जी एस, एक करेंट सोर्स दैट इज जी एम वी जी एस, जी एम वी जी एस और एक आर नॉट रेजिस्टेंस जो हम पढ़ेंगे, जो हमने चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की हेल्प में हेल्प से मिला, आर नॉट रेजिस्टेंस हमने वहां पे पढ़ा था। ओके, सो अब हम इसको एनालाइज करेंगे। आई थिंक ये मॉडल आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। आपको सिंपल दो कैपेसिटर्स कंसिडर करने हैं जो कि रोल प्ले करते हैं आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे हमने बीजेटी के केस में कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की थी, वैसे ही हम मॉसफेट के केस में कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो सिर्फ दो ही कैपेसिटर्स की हेल्प से चेंज होगी, या उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो है आपका गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस और गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस। ओके, सो हम इसको एनालाइज करके एक एफटी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज एफटी। तो हम सिंपली आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और वहां से उस ट्रांसफर फंक्शन से हम उस ओमेगा बीटा, जैसा हमने बीजेटी में फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और देन हम यूनिटी गेन फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके अपनी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो आई नॉट कैन बी रिटन एज
दिस जी एम वी जी एस माइनस एस सी जी डी इंटू वी जी एस. सो वी एम निगलेक्टेड आर नॉट. ओके, और फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर सिंप्लीफिकेशन वी हैव कंसिडर्ड द वैल्यू ऑफ सी जी डी इज वेरी स्मॉल. जो सी जी डी की जो वैल्यू है, जिस फ्रिक्वेंसी पे हम इंटरेस्टेड हैं, जो फ्रिक्वेंसी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वहाँ पे सी जी डी की वैल्यू स्मॉल है. ओके, सो हमने सी जी डी को निगलेक्ट कर दिया. वी कैन राइट आई नॉट इज इक्वल टू जी एम इंटू वी जी एस. तो ये एक आई नॉट का फॉर्मूला हमें मिल गया यहाँ पे. क्लियर. सेम हम आई इनपुट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आई इनपुट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी जी एस कैन बी रिटन एज आई आई डिवाइड बाई एस सी जी एस प्लस सी जी डी. सो ये आपका आई इन का फॉर्मूला हो गया. ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है इसका रिलेशन, दैट इज आई नॉट डिवाइड बाय आई आई. तो हम इसे लिख सकते हैं जी एम वी जी एस डिवाइड बाय वी जी एस इंटू एस इंटू सी जी एस प्लस सी जी डी. तो ये कैंसिल होके आपको जो फॉर्मूला मिलेगा दैट इज जी एम एस इंटू सी जी एस प्लस सी जी डी. तो दिस इज ओमेगा. ओके, और यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा हमने बी जे डी के केस में किया था, ओमेगा बीटा इक्वल टू सी जी एस प्लस सी जी डी. सो दिस इज ओमेगा बीटा. क्लियर. नाउ वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज ओमेगा बीटा इक्वल टू ओमेगा बीटा इंटू जी एम. तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज जी एम डिवाइड बाय सी जी एस प्लस सी जी डी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी. और अगर हमें एफ टी फाइंड आउट करना है तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं एफ टी इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय टू पाए सी जी एस प्लस सी जी डी. क्लियर. सो ये हमारी वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दैट इज एफ टी, जो डिपेंड करती है ट्रांसकंडक्टेंस पे, सी जी एस पे और सी जी डी पे. जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि सी जी एस और सी जी डी ही हैं वो दो कैपेसिटर्स जो हाई फ्रीक्वेंसी की जब बात करेंगे तो उस हाई फ्रीक्वेंसी पे आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेंगी. ओके, सो एफ टी वो फ्रीक्वेंसी है जो आपकी यूनिटी गेन को रिप्रेजेंट करती है हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पे. ओके, सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. ओके, सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी. यहाँ पे सिंपल आपको ये समझना है कि जो हम इंटरनल कैपेसिटेंसेस की बात कर रहे थे, वो इंटरनल कैपेसिटेंसेस एक्चुअली करते क्या हैं, वो कैसे आपके फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को इफेक्ट करते हैं. तो ये बीजेडी भी मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझा चुका हूँ यही चीज, कि जब आपने यहाँ गेन ड्रॉ किया था और यहाँ फ्रीक्वेंसी थी, तो ये टर्म कुछ इस टाइप से आपका फॉल हो रहा था. तो वो कैसे फॉल होगा, कौन सी वो 3D फ्रीक्वेंसी होती है, कौन डिसाइड करता है, वो ये सब चीज़ें ये कैपेसिटर्स और ये ट्रांसकंडक्टेंस डिसाइड करेगा यहाँ पर. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा. तो हमें सिंपल हमारे कोर्स में इंटरनल कैपेसिटेंसेज हैं जो कौन कौन से होते हैं, उनका मॉडल कैसे बनाया जाता है, तो वो हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल आपने यहाँ डिज़ाइन कर लिया. ओके, देन वो फ्रिक्वेंसी जिस पे जिन पे ये जिन वैल्यूज पे ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होती है. तो सिंपल सा ये ड्राइव करके हमने एक आई नॉट और आई आई का फॉर्मूला ड्राइव किया और उसके बाद उनको डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें एक ट्रांसफर फंक्शन यानी कि एक फैक्टर चाहिए था एच एफ फैक्टर,
और उसकी हेल्प से हमने ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी। ओके सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। ये हमारा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है जिसको हमने बायस कर रखा है, इसके अक्रॉस हमने एक इनपुट सिग्नल वी सिग्नल अप्लाई किया है। CC1, CC2 आपके DC ब्लॉक करने के लिए कैपेसिटर्स, जो हमने वहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर्स पढ़े थे BJT में, तो वही रोल यहाँ पर CC1 और CC2 का है। ये आपके स्मॉल फ्रिक्वेंसीज और DC सिग्नल और जो भी अनडिजायर्ड फ्रिक्वेंसी जिसमें हम काम नहीं कर रहे हैं उन सारी फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा। ओके सेम CS कॉमन सोर्स कैपेसिटर, वहाँ पे आपका CE बाईपास कैपेसिटर था, यहाँ पे कॉमन सोर्स कैपेसिटर है। ये आपका ड्रेन रेसिस्टेंस RD और ये लोड रेसिस्टेंस RL जिसके अक्रॉस आप अपने आउटपुट को लेंगे। ओके तो ऐसे ही हमने BJT के केस में भी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स कर पड़ा था। मैं बार बार BJT का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप एक दूसरे को कोरिलेट करें। अगर आपको कोई एक चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि BJT आपने पहले पढ़ा है तो डेफिनेटली आपने उसके वीडियोस देखे होंगे, वो लेक्चर्स पढ़े होंगे, तो आपको MOSFET समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो अब देखिए ये जो कर्व आप यहाँ देख रहे हैं, ये कर्व भी वैसा ही कर्व है, बस यहाँ किस चीज़ की वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, नोटेशंस चेंज हो जाएंगे। सिंपल हाई फ्रिक्वेंसी में जो कैपेसिटर्स हैं वहाँ C πC μ थे, यहाँ पर आपके वो CGS एंड CGD हो जाएंगे। सिंपल। ओके तो देखिए इस कर्व को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में आपका गेन, तो ये गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो इसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ, तो पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व मींस गेन कैसे चेंज हो रहा है आपका विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। सो ये आपकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके तो यहाँ हमने पढ़ा था कि गेन आपका डिक्रीज होगा, गेन फॉल्स ऑफ ड्यू टू CC1, CC2 एंड CS। तो वहाँ पे क्या था? CE। तो कपलिंग कैपेसिटर 1, कपलिंग कैपेसिटर 2 एंड कॉमन सोर्स यानी कि सोर्स कैपेसिटेंस। अब देखिए क्या है, ये जो पॉइंट है आपका, ये है आपका 3 dB पॉइंट। क्लियर? तो अभी हम पहले ये समझते हैं, सपोज हमारा यहाँ पे कुछ गेन था कांस्टेंट। अब जैसे ही हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया, जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में गए, हमारी फ्रीक्वेंसी कम हुई और उस फ्रीक्वेंसी पे ये जितने कैपेसिटर्स थे आपके CC1, CC2 और CS कैपेसिटर्स, इन्होंने गेन को रिड्यूस किया, इट मींस ये एग्जिस्टेंस में आए। तो लो फ्रीक्वेंसी में आपका जो गेन फॉल हो रहा है इन कैपेसिटर्स की वजह से, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इस फ्रीक्वेंसी पे, जैसे हमें मालूम है कि कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या होता है, 1/2πfc। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है, इसके कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट मींस लो फ्रीक्वेंसी पे ये CC1, CC2 और CS जो कैपेसिटर्स हैं आपके, वो हाई इम्पीडेंस रखते हैं। सो दे शो हाई इम्पीडेंस। ओके सो लो फ्रीक्वेंसी पे ये हाई इम्पीडेंस शो करते हैं और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जिस पे हमें काम करना है उस पे ये लो इम्पीडेंस शो करते हैं, तो हम इनको निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके तो ये जो आपका बैंड है, वो जो रीजन है आपका, दैट इज लो फ्रीक्वेंसी बैंड। ओके सो दिस इज लो फ्रीक्वेंसी बैंड। तो लो फ्रीक्वेंसी बैंड में आपका CC1, CC2 और CS के हेल्प से गेन आपका रिड्यूस होगा। ये जो बैंड है आपका, दैट इज मिड बैंड। सो मिड बैंड में आपका कोई भी कैपेसिटर एग्जिस्टेंस में नहीं होता है, तो आप यहां सिंपल लिख सकते हैं कि ऑल कैपेसिटेंस कैन बी निग्लेक्टेड, ऑल कैपेसिटेंस कैन बी निग्लेक्टेड मींस दे आर नॉट इन द एग्जिस्टेंस। ठीक है,
और ये जो रीजन होता है वो होता है आपका 20 लॉग वी आउट डिवाइड बाय वी। तो यहां ये हमने डीबी भी लिखा ही है। ये जो पी है मतलब ये जो मैग्नीट्यूड का लेवल है गेन का, ये आपका गेन है फ्रॉम फ्रीक्वेंसी एफ एल टू एफ एच। क्लियर। अब हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की। सो हाई फ्रीक्वेंसी की हम डेफिनेटली एनालिसिस कर रहे थे। तो ये जो जो सर्किट हमने बनाया, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम पढ़ रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, तो आप यहां लिख सकते हैं दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। क्लियर। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ और ड्यू टू सी जी एस एंड सी जी डी आपका जो गेन है वो फॉल होगा। सो गेन फॉल्स ऑफ। गेन फॉल्स ऑफ। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी में सी जी एस सी जी डी जो है आपके, इनकी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ इनका जो इम्पीडेंस है वो डिक्रीज करता है। ओके तो यहां था आपका, इनका जो इम्पीडेंस था हाई था, और सी जी एस और सी जी डी इनका जो इम्पीडेंस है ये लो इम्पीडेंस शो करते हैं जैसे ही फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हम करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यही है, फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज करी, इनका इंपीडेंस गिर रहा है, लो इंपीडेंस। पहले क्या था, अगर हम मिड बैंड की और लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम इन इन कैपेसिटर्स को कंसीडर ही नहीं करते थे, हम इन्हें ओपन छोड़ देते थे। हम कहते थे कि इनके थ्रू करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, दे विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ओके तो हम जब जैसे ही हम हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये जो सी जी एस सी जी डी जो भी इंटरनल कैपेसिटेंसेज हैं उनके कैपेसिटर एग्जिस्ट करेंगे, और उनके कैपेसिटेंस अगर एग्जिस्ट करेंगे, उनकी कुछ वैल्यू होगी, तो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेंगे हमारे सर्किट की परफॉर्मेंस पे। और वो हमने देखा वहाँ पे कि जो हमारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ टी थी वो कैसे वेरी कर रही थी, जी एम डिवाइड बाई टू पाई सी जी एस प्लस सी जी डी। तो हमारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन कैपेसिटर्स पे इफेक्ट करती है। क्लियर। तो यहाँ पे सी जी एस और सी जी डी जो है वो लो इम्पीडेंस शो करेंगे और हम उनको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट या कंसीडर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो वो हमारे रिस्पॉन्स को इफेक्ट करेंगे। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सी एस एम्पलीफायर। ओके सो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा आज के लेक्चर में। सबसे पहले तो हमने ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव किया, इससे पहले हमने पांच इम्पीडेंसेस प्रोवाइड किए थे आपको। देन हमने ये एक मॉडल बनाया, ये वो मॉडल है जहां हमने अपने कैपेसिटर को दिखाया सी जी एस और सी जी डी क्या होता है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फाइंड आउट किया, जी एम डिवाइड बाई टू पाई इंटू सी जी एस इंटू सी जी डी। देन हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व पढ़ा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिए। तो हमने आपको बताया है कि सी सी वन सी सी टू सी एस कब एग्जिस्ट करते हैं, गेट टू सोर्स एंड गेट टू ड्रेन कैपेसिटर्स कब एग्जिस्ट करते हैं, और ये आपके रिस्पॉन्स कर्व में क्या इफेक्ट डालते हैं। ओके सो ये 3 dB पॉइंट्स मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बीजेटी के केस में, वो पॉइंट जहाँ पे आपकी पावर क्या होती है हाफ और वोल्टेज आपकी 0.707 ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर एंड द एंड ऑफ MOSFET। सो हमने पहले लेक्चर से आई थिंक 12 लेक्चर की एक MOSFET की सीरीज बनी, काफ़ी अच्छी तरीके से हमने MOSFET को समझा, MOSFET के टाइप, करंट के ग्राफ डेरिवेशन किया, करंट वोल्टेज में रिलेशन फाइंड आउट किया, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन क्या होता है ये समझा, देन हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ा, उसकी एनालिसिस करी, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए। क्लियर। देन हमने इंटरनल कैपेसिटेंसेस पढ़े MOSFET के, और फिर उन इंटरनल कैपेसिटेंसेस को हमने पुट किया
अपने स्मॉल सिग्नल मॉडल में, उसे एनालाइज किया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, और देन हमने एक कर्व की हेल्प से कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को समझा। सो हमने डायोड पढ़ लिए, डायोड के बाद स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स पढ़ लिए, देन हमने बीजेटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, और अब हमने मॉस्फेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। सो आई होप ये जो जर्नी थी आपकी डायोड से लेके मॉस्फेट तक की, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे आगे के कुछ लेक्चर्स में, वो डिवाइस से बिल्कुल हटके हैं। वहाँ हम कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, वहाँ हम ये समझेंगे कि किसी भी डिवाइस को, चाहे वो डायोड है या वो बीजेटी है या वो मॉस्फेट है, उसे बनाया कैसे जाता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होगी या ये क्वेश्चन होगा कि अगर मॉस्फेट मैं बना रहा हूँ तो ये एन प्लस डोपिंग क्या है, ये पी टाइप सबस्ट्रेट क्या है, चैनल कैसे बनाऊँगा, अगर मैं बीजेटी बना रहा हूँ तो मैं एमीटर की डोपिंग कैसे करूँ, एमीटर कहाँ बनेगा, बेस कलेक्टर ये सब कैसे बनते हैं, मेटेलिक कॉन्टैक्ट कैसे दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे के कुछ लेक्चर्स में कवर करेंगे। और अगर मैं कहूँ कि हम आईसी फैब्रिकेशन स्टेप्स पढ़ेंगे कि किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट को कैसे फैब्रिकेट किया जाता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट आप सब जानते हैं कि जिसके अंदर आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक डायोड हो सकता है, बीजेटी हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, तो अल्टीमेटली इन्हें बनाया कैसे जाता है। ये तो हम सबको मालूम है कि सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, क्या सिर्फ सिलिकॉन ही होता है या कुछ और मटेरियल्स होते हैं, वेफर क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या होते हैं, तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक ओवरव्यू हम लेंगे उन सब चीज़ों का, और देन वन बाय वन हम सारे स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।